हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस प्रीलिम्स लॉकडाउन सीरीज में ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग देखे हुए थे क्लाइमेटोलॉजी को और लास्ट क्लास में हम लोग कुछ रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड सारी बातें कर रहे थे। इस कंटिन्यूएशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग देखेंगे बेसिकली साइक्लोन्स के बारे में, देखेंगे क्या कुछ साइक्लोन में है, कितने टाइप के होते हैं और कुछ और भी अदर टॉपिक्स रिलेटेड विद द साइक्लोन। तो थोड़ी कॉम्प्लेक्स डिस्कशन जरूर होगी बट काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमें देखने को मिलेगी। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक। बट बिफोर दैट दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर द सम अवेलेबल कोर्सेज ऑन यूट्यूब। दीज आर प्रीलिम्स स्पेशल, मेंस स्पेशल एंड टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन। क्लाइमेटोलॉजी में साइक्लोन के बारे में अगर बात करें तो बेसिकली हमारे पास टोटल चार टॉपिक्स हैं डिस्कस करने को। एक है ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में, दूसरी थंडरस्टॉर्म एंड टॉर्नेडोज के बारे में है, थोड़ा सा डिफरेंट है इस वजह से अलग से इसको डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स के बारे में बात करेंगे। कई बार आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग तरीके के नाम दिए जाते हैं, लाइक नीलोफर हो गया, हुदहुद हो गई, एम्फन हो गया, डिफरेंट टाइप के हम लोग नेमिंग कर रहे होते हैं, तो क्या प्रोसीजर नेमिंग का ये भी देखेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे टेम्परेट साइक्लोन के बारे में। इसी टेम्परेट साइक्लोन में हम लोग देख लेंगे कि आखिर में टेम्परेट और ट्रॉपिकल में आखिर डिफरेंस क्या है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में अगर देखें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर एक्चुअली वायलेंट स्टॉर्म्स दैट ओरिजिनेट ओवर ओशियन इन ट्रॉपिकल एरियाज एंड मूव ओवर टू द कोस्टल एरिया, ब्रिंगिंग अबाउट लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ड्यू टू द वायलेंट विंड, वेरी हैवी रेनफॉल एंड स्टॉर्म सर्जेस। व्हाट एग्जैक्टली डज दैट मीन, इसका मतलब क्या है? देखिए, पहली चीज, केवल और केवल ये ओशियन सरफेस पर ही डेवलप हो सकते हैं, ओशियन पर ही डेवलप होंगे। इसके पीछे रीजन ये होता है कि इनको चाहिए होता है मॉइस्चर, और मॉइस्चर के लिए यहाँ पर जो चीज होती है वो मतलब कि कह लीजिए कि जो सोर्स होती है वो हीटिंग होती है, और इस हीटिंग के कारण से कन्वेक्शन जनरेट होते हैं और ये कन्वेक्शन अल्टीमेटली ट्रॉपिकल साइक्लोन को जनरेट कर रहे होते हैं। इसके प्रोसीजर के बारे में भी हम लोग देखेंगे अभी, फिलहाल अभी एक आइडिया ले लेते हैं क्या चीज है। यहां पर देखिए, एक आइडिया अगर दिया जाए, सपोज दिस इज आवर, सपोज हमारी ये मान लेते हैं कि 3D सरफेस है, और इस 3D सरफेस पे हमें सेंटर में यहां कहीं मान लेते हैं कि हीटिंग बहुत ज्यादा हो गई है। हीटिंग हो जाने की वजह से ऑब्वियसली ये इलाका लो प्रेशर में तब्दील हो जाएगा। इस लो प्रेशर के जो नेबरिंग रीजन होंगे, मान लेते हैं कि ये वाला रीजन हाई प्रेशर पे बना हुआ है, सिमिलरली यहां पर ये हाई प्रेशर पे बना हुआ है, यहां पर हाई प्रेशर पे बना हुआ है और ये भी हाई प्रेशर पे बना हुआ है। तो अब होगा क्या, विंड जो होती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इस तरीके से मूव कर जाएंगी। तो ये चारों डायरेक्शन से हमें इस तरीके की विंड्स आ जाएंगी हमारे सामने। सपोज वी आर इन लिविंग इन, सपोज हम लोग हैं जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में रह रहे हैं, तो जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में हम लोग रहेंगे तो सीधी सी बात है यहां पर कोरियोलिस फोर्स राइट डायरेक्शन में मूव कराएगा। तो अब देखिए, इसका राइट क्या हो गया, ये हो गया, इसका राइट क्या हो गया, ये हो गया, इसका राइट क्या हो गया, ये हो गया, और इसका राइट भी ये हो गया है। तो एक तरीके से जब हम देखेंगे तो यहां पर एक हमें इस तरीके का एक सर्कुलेशन देखने को मिल जाएगा, और ये सर्कुलेशन कैसी है, एंटी साइक्लोनिक। दिस इज एंटी साइक्लोनिक, यानी कि अगर हम लोग नॉर्थ हेमिस्फीयर में है तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन आएगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन अगर आता है तो वो एंटी साइक्लोनिक नेचर का रहेगा। क्लियर हो गया। सपोज वही हम लोग सदर्न हेमिस्फीयर में आ जाते हैं, तो जैसे ही आप सदर्न हेमिस्फीयर में आएंगे वैसे ही कोरियोलिस फोर्स लेफ्ट की ओर में मूव कराएगा। तो जितनी भी सर्कुलेशंस, ये हमारी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर सर्कुलेशन थी, यहां पर लो था और यहां पर हाई बना हुआ था, ये हाई बना हुआ था, ये हाई बना हुआ था और ये भी हाई बना हुआ था, अभी अपने लेफ्ट में मूव करेगी। तो लेफ्ट ये हो गया, लेफ्ट ये हो गया, लेफ्ट ये हो गया और लेफ्ट ये हो गया, यानी कि मूवमेंट अब कैसा है, अब ये मूवमेंट जो है वो क्लॉकवाइज हो गया, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होने वाला है वो क्लॉकवाइज होगा, यहां पर क्लॉकवाइज होगा, और वही अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखा जाए तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो देखिए, आपको याद करने की ऐसा जरूरत नहीं है, आपको केवल और केवल डायरेक्शंस निकालना है, विंड को ब्लो कराना है और फिर कोरियोलिस फोर्स लगाना है और देखना है
कि किस तरीके से ये मूवमेंट निकल करके सामने आ रही है. क्लियर हो गया किस तरीके से सर्कुलेशन जनरेट हो रही है. ओके, सो दे आर एक्चुअली इररेगुलर मूवमेंट इन्वॉल्विंग क्लोज्ड सर्कुलेशन ऑफ एयर अराउंड अ लो प्रेशर सेंटर. अभी हम लोगों ने देखा दिस क्लोज्ड एयर सर्कुलेशन इज अ रिजल्ट ऑफ रैपिड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ हॉट एयर. देखिए अभी तक हम लोगों ने जो देखा वो तो सरफेस पे इस तरीके से विंड ब्लो कर रही है, मतलब इस तरीके से सर्कुलेशन आएगी. इधर इट विल बी, अगर मान लेते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर है तो एंटी साइक्लोनिक, और साउथ हेमिस्फीयर है तो साइक्लोनिक, इस तरीके से हमारी मूवमेंट हो जाएगी. अब हम लोग आगे से जब भी डिस्कस करेंगे तो हम लोग नॉर्थ वाला लेकर के चलेंगे. ऑब्वियसली हमें एक ही को किसी को लेकर चलना पड़ेगा और हम नॉर्थ वाला लेकर के चलेंगे जब भी आगे पढ़ेंगे. तो यहां पर देखें दे आर इरेगुलर विंड डेवलपमेंट. अब यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि ये तो ठीक है लेकिन ये ऊपर कैसे उठ रहा है, ऊपर कैसे आ रही होती है. तो ऊपर आने के लिए हम लोग बात करेंगे आखिर में क्या चीज है, यहां पर सिस्टम क्या होती है. आगे हम लोग जब बात करेंगे तो देखते हैं क्या चीज है. इनफैक्ट अगर आपको एक आइडिया ही दे देते हैं, देखिए यहां पर हम लोगों ने जब हम लोगों ने हेडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल के बारे में बात किया था, तो हम लोगों ने यहां बात किया था कि सपोज दिस इज लो प्रेशर, तो लो प्रेशर होने के कारण से विंड ऊपर की ओर में उठती है. ऊपर की ओर में उठने के कारण यहां पर क्लाउड्स बनना शुरू हो जाते हैं और ये क्लाउड बन के अल्टीमेटली क्या होती है, कन्वेक्शन के कारण से कन्वेक्शनल रेनफॉल कराती है. जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था रेनफॉल को लेकर के कि कन्वेक्शनल रेनफॉल्स होती हैं. सिमिलरली यहां पर भी तो आखिर लो प्रेशर जनरेट होकर के रखा है, इस लो प्रेशर के कारण से एयर जो है वो ऊपर उठना शुरू होगी और जैसे ऐसे ओवर ऊपर उठना शुरू करेगी ये एक्सपैंड करते जाएगी. क्यों एक्सपैंड करते जाएगी, क्योंकि ऊपर में जो प्रेशर है इसका वो कम हो रहा है, तो जो प्रेशर यहां पे होगी वो लूज होते जाएगी. मतलब कि यहां पर नीचे अगर लो प्रेशर बना हुआ है तो इसके जस्ट ऊपर में जाकर के हाई प्रेशर बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर हो जाएगा और इस वजह से यहां पर जो है वो चारों ओर में एक्सपेंशन होनी शुरू हो जाएगी. तो ये इस तरीके से यहां पर क्लाउड जो होती है वो एक्सपेंड करते हुए ऊपर बढ़ रहे होंगे. तो दिस इज हाउ द क्लाउड विल डेवलप हियर एंड यहां पर जो भी बारिश हो रही होगी वो भी साइक्लोनिक नेचर या फिर कन्वेक्शनल नेचर फिलहाल के लिए अभी आप बोल सकते हैं. तो एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि उठ कैसे रही है, पहली चीज. नाउ ये इस तरीके से घुमाव कैसे आती है, जो सर्कुलेशन है वो तो बॉटम पे है, ये सर्कुलेशन ऊपर कैसे इस तरीके से उठना शुरू हो जाता है. एक्चुअली होता क्या है यहां पर, ये जो सर्कुलेशन है वो बहुत स्पीड में होती है, मतलब इसकी जो हवा की जो स्पीड होती है वो नियर अबाउट 140 किलोमीटर पर आवर टाइप होती है, 80 से 140 किलोमीटर पर आवर होती है. तो इस स्पीड के कारण ये स्पीड ब्रेक नहीं होने पाता है और इसको लेते हुए ही ये लो प्रेशर राइज करना शुरू कर देता है और इस तरीके से एक ये हेलिकल टाइप स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल जाती है. हेलिकल टाइप स्ट्रक्चर, एक आइडिया लग गया. जैसे कई बार आप लोगों ने सर्कस वगैरह देखा होगा, सर्कस में आप लोगों ने देखा होगा वहां पर एक मौत का कुआं आता था. उस मौत के कुएं में क्या होती था, बेसिकली एक इस तरीके का सर्कुलर शेप बनाया जाता था और इस पर ये चारों ओर बाइक रन करते थे, जो ये खड़ी वॉल है इसी पे बाइक रन करते थे. होता क्या था, ये पहले एक वेलोसिटी ले लेते थे और उस वेलोसिटी को बेसिकली mv स्क्वायर अपॉन r के बराबर कर लेते थे, जो उसका mg है. तो ये एक्चुअली सर्कुलर मोशन होती है, फिजिक्स में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो सर्कुलर मोशन होती है. इस सर्कुलर मोशन में बेसिकली जब इस चीज को, वेट को, इसके सेंट्रिपिटल फोर्स जब ये ग्रेविटी फोर्स के बराबर हो जाती है तो वहां पर प्योर सर्कुलेशन मोशन देखने को मिल जाता है और वही चीज यहां पर भी हमें देखने को मिल जाती है. क्लियर हो गया क्या चीज है. ओके, आगे बढ़ते हैं. साइक्लोनिक विंड मूवमेंट आर एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर. इसको हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, दिस इज ड्यू टू द कोरिओलिस फोर्स. द साइक्लोन्स आर ऑफन characterized, एक मिनट इसको क्लियर कर दे रहा हूं मैं ताकि आप लोगों को दिखे. The cyclones are often characterized by existence of an anti-cyclone between two cyclones. तो यहां पर होता क्या है कि दो साइक्लोन के बीच में, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि इक्वेटर हम लोग देखे थे ना, ये यहां पर कि इक्वेटर है सपोज, तो दिस इज लो प्रेशर, लो प्रेशर के कारण से ऊपर बढ़ती है और इस तरीके से एक सर्कुलेशन आती है. सिमिलरली एक दूसरे टाइप की सर्कुलेशन इधर आती है. तो यहां पर बीच में क्या होता है कि ये बैलेंस कर रहे होते हैं, तो ये बैलेंस कर रहे होते हैं, मतलब इन दोनों के अपोजिट यहां पर चीजें होती हैं. और क्यों होती हैं, क्योंकि ये बेसिकली जैसे मान लेते हैं कि दिस इज साइक्लोन एंड दिस इज अगेन साइक्लोन, तो यहां पर बीच में एक बैलेंसिंग,
एक बैलेंसिंग एंटीसाइक्लोन जनरेट हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगेन यहां पर बैलेंस करना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम लोगों ने ओशिनोग्राफी में जब बात किया था करंट के बारे में, तो वहां पर हम लोगों ने कह लीजिए कि जितने भी इक्वेटोरियल करंट्स थी उसके बारे में बात किया था, तो साथ ही साथ में काउंटर इक्वेटोरियल करंट के बारे में भी बात किया हुआ था। तो इट वॉज द बैलेंसिंग, अदरवाइज वॉल्यूम आएगा कहां से? क्लियर हो गया क्या चीज है? आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर जनरेशन और डेवलपमेंट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्या कंडीशंस होती हैं जनरेट होने के लिए या डेवलप होने के लिए? सबसे पहली जो कंडीशन है वो है लार्ज सरफेस एरिया विद टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पर देखिए दो कंडीशन, एक ही में दो कंडीशन मिला दिया गया। पहला, जो सरफेस एरिया होना चाहिए वो लार्ज होना चाहिए, दूसरा टेम्परेचर जो इसका होना चाहिए वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड के नियर अबाउट या फिर उससे ऊपर होना चाहिए। क्यों ऐसा है देखते हैं। जैसे होता क्या है, ओशनोग्राफी हम लोग पढ़ रखे हैं तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी बल्कि आएगी। सपोज ये हमारा ओशियन है, दिस इज सपोज ओशियन। मान लेते हैं कि सरफेस इसकी इतना लेयर जो होती है वो गर्म हो गई है। सपोज यहां पर जो है ये हॉट एयर आ गई है। क्यों आ गई है? ऑब्वियसली यहां पर रेडिएशन आ रही है, मतलब कि ये शॉर्ट वेव रेडिएशन आ रही है जिसको कि हम लोग इंसुलेशन बोलते हैं, और इस इंसुलेशन की वजह से इसको हीट मिल रही है। इस हीट मिलने के कारण एम एस डेल्टा टी इसका जो टेम्परेचर है वो राइज कर जाएगा। क्लियर है इतना? बट नीचे का सरफेस तो कोल्ड सरफेस है। अब होगा क्या, ये जो हॉट सरफेस है इस हॉट के कारण से जो टेम्परेचर है वो नीचे की ओर में मिक्सिंग करने की कोशिश करेगा। इस मिक्स करने के कारण ऑब्वियसली एक सर्क्यूलेशन यहां पर जनरेट हो जाएगी, और ये जो सर्कुलेशन है दिस सर्कुलेशन इज ड्यू टू हीटिंग के कारण से जनरेट हो जाएगी, एंड इट विल ट्राई टू रिड्यूस डाउन द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस। और ये एक तरीके से कह लीजिए कि टेम्परेचर इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से चीजें हो जाएंगी। लेकिन 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 अगर मान लेते हैं कि सरफेस कुछ ज्यादा ही हीट मान लीजिए रिसीव कर लेता है, तो इस ज्यादा हीट रिसीव करने के कारण मिक्सिंग जो होगी उस मिक्सिंग में देखिए टाइम लगता है। तो टाइम लगने, क्योंकि सीधी सी बात है एम एस डेल्टा टी, इस एम एस डेल्टा टी को आगे बढ़ने के लिए इट विल टेक टाइम। तो अगर मैं इसको इतना टाइम, सपोज होने को तो 24 आवर्स ही है कायदे से, लेकिन कायदे से मैं बोलूंगा तो इसको 12 to 16 आवर्स ही केवल मिलता है, क्योंकि बाद में इंसुलेशन के साथ साथ टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस भी इफेक्ट दिखाना शुरू कर देती हैं, जिनको कि हम लोग एल्बिडो बोलते हैं। तो इसका इफेक्ट भी देखने को ज्यादा मिलता है, इनफैक्ट रात में इसका इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू द इंसुलेशन, बिकॉज इंसुलेशन तो 12 घंटे के बाद 16 घंटे के बाद खत्म हो जाती है, क्योंकि सन खत्म हो जाता है, निकल जाता है, रात हो जाती है, जबकि एल्बिडो ये लगातार 24 घंटे होते रहती है। बात कहते हैं ना स्टीफन्स प्रिंसिपल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4 निकलते रहेगा। तो यहां पर क्या है कि टाइम चाहिए होता है, लेकिन सपोज हीट इतनी ज्यादा रिसीव हो गई है कि यहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज कर गया है। इस राइज करने के कारण ये वाला जो एरिया होगा वो लो प्रेशर एरिया बन जाता है, और इस वजह से हमें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखने को मिल जाते हैं। तो बस वही टेम्परेचर जो होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर ज्यादा हो जाता है, 27 डिग्री का मतलब आप समझ रहे हैं 273 + 27, मतलब कि 300 केल्विन टेम्परेचर हो गया। दिस इज काफी हाई टेम्परेचर मान लिया जाता है ओशियन के रिस्पेक्ट में। अब क्वेश्चन ये होता है व्हाई वी वांट अ लार्ज सरफेस। होता क्या है कि अगर मान लेते हैं कि छोटा स्मॉल एरिया है, सपोज कोई एरिया स्मॉल है जैसे पॉन्ड का हो गया या फिर लेक का भी हो गया, तो यहां पर दिक्कत ये होती है कि आपस में मिक्सिंग कर लेते हैं। और यहां पर क्योंकि देखिए लो प्रेशर जनरेट तो सेंटर में होना है, आसपास के एरिया को हाई प्रेशर पर ही रहना है, तो इस हाई प्रेशर और लो प्रेशर मतलब ये जो प्रेशर का जो एनोमली है, दिस एनोमली ऑफ द प्रेशर, ये केवल और केवल तभी जनरेट हो पाएगा जब ये लार्ज इनफ सरफेस हो। और इस लार्ज इनफ सरफेस का मतलब कितना, कम से कम 2 to 3 किलोमीटर का एक डायमीटर होना चाहिए, तब जाकर के यहां पर यह ट्रॉपिकल साइक्लोन लाइक कंडीशन जनरेट होगी। इसलिए बोला जाता है कि यहां पर लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए और टेम्परेचर जो होती है वो हायर देन 27 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होना चाहिए। क्लियर हो गया क्या चीज है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आती है प्रेजेंस ऑफ द कोरियोलिस फोर्स एनफ टू क्रिएट अ साइक्लोनिक वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही देखा था, कुछ दिनों पहले पोलर वर्टेक्स के बारे में हम लोगों ने
डिस्कस किया था, जहां पर हम लोगों ने बात किया था इस तरीके का एक ओमेगा टाइप ब्लॉक बात किया हुआ था। इस ओमेगा टाइप ब्लॉक को ही हम लोग बोलते हैं वॉर्टेक्स। वॉर्टेक्स मतलब एक तरीके का ये कह लीजिए कि जो होता है मूवमेंट, इस तरीके का वेवी मूवमेंट हमें आती है। यहां पर क्वेश्चन ये है कि मतलब जो कंडीशन है वो है प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स एनफ टू क्रिएट अ साइक्लोनिक वॉर्टेक्स। ये हमारी मान लेते हैं कि अर्थ है, सपोज दिस इज आवर अर्थ। अर्थ में अगर हम आएंगे तो यहां पर हमारी इक्वेटर आती है, इक्वेटर के पास में यहां पर कोरियोलिस फोर्स जो होती है वो जीरो होती है। और ये आपको पता ही है कि जीरो क्यों होती है, क्योंकि यहां पर जो रेडियस के साथ में जो एंगल होता है वो जीरो हो जाता है, इस वजह से जो है यहां पर कोरियोलिस फोर्स जो होती है वो जीरो हो जाती है। कोरियोलिस फोर्स जीरो रहेगी तो ऑब्वियसली यहां पर जो ये राइटवर्ड मूवमेंट या लेफ्टवर्ड मूवमेंट, ये जो भी सर्कुलेशन प्रोवाइड करता है वो सर्कुलेशन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग ऊपर उठेंगे, इस इक्वेटर से ऊपर उठेंगे 5 to 10 डिग्री लैटिट्यूड अगर हम लोग ऊपर उठते हैं, तो उसके कारण से जो कोरियोलिस फोर्स है वो इतनी ज्यादा जरूर जनरेट हो जाती है, सफिशियंट एनफ जनरेट हो जाती है टू जनरेट अ मूवमेंट इन द या सर्कुलेशन इन द वेव। तो यहां से वेव सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाती है, और यही कारण है कि हमें नियर अबाउट जो इक्वेटर है या फिर जिसको हम लोग बोल देते हैं डोल्ट्रम का इलाका, इस डोल्ट्रम के इलाके में हमें साइक्लोन्स जनरेट होती हुई नई नजर आती है। मतलब 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ में हमें साइक्लोन का मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है, बाकी इसके ऊपर और इसके नीचे दोनों ही देखने को मिलता है। लेकिन अगेन अगर आप 20-25-30 डिग्री लैटिट्यूड से ऊपर अगर जाएंगे तो यहां पर टेम्परेचर नहीं बन पाता है, जिसके कारण से यहां पर भी साइक्लोन देखने को नहीं मिलती है। यानी साइक्लोन का मेन रीजन के बारे में बात करेंगे तो यही वो रीजन है जहां पर साइक्लोन जनरेट होती हैं, 5 to 10 डिग्री या फिर 10 डिग्री टू 30 डिग्री आप बोल सकते हैं यहां पर, कि इनके बीच में ही साइक्लोन जो होती है वो जनरेट होती है, चाहे वो नॉर्थ हेमिस्फीयर हो या फिर साउथ हेमिस्फीयर हो। तो एक आइडिया लग गया क्यों कोरियोलिस फोर्स या फिर कोरियोलिस फोर्स किस तरीके से एक्ट कर रही है। देखिए कोरियोलिस फोर्स जब तक नहीं लगेगा तब तक हमें, देखिए मूवमेंट क्या हो रही है, हाई टू लो हाई टू लो हाई टू लो हाई टू लो। अब यहां पर मूवमेंट आया कहां, ये तो सबके सब सेंटर की ओर में आ रही है, सेंटर की ओर में आएंगी तो एक तरीके से क्या होगा, स्टॉर्म हुआ केवल और केवल। ये यहां पर किसी प्रकार का सर्कुलेशन जनरेट नहीं हुआ, सर्कुलेशन कब होगा, जब या तो अपने राइट में जाए या तो अपने लेफ्ट में जाए। और ये राइट या लेफ्ट कब आएगा, जब कोरियोलिस फोर्स इस पर एक्ट करेगा, जब कोरियोलिस फोर्स इस पर काम करेगा तब जाकर के इस तरीके की मूवमेंट हमें देखने को मिल पाएगी। क्लियर हो गया क्या चीज है। चलिए आगे अगर बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन के बारे में, तो स्मॉल वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड स्पीड। अब ये क्यों जरूरी है, देखिए यहां पर सरफेस पे जो नीचे है यहां पर तो जो चीजें हो रही हैं वो हो रही हैं, लो प्रेशर जनरेट हो रहा है और आसपास का जो हाई प्रेशर है वो इसको विंड प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन ये विंड जैसे ही ऊपर की ओर में राइज करेगी, ये जो राइज कर रही है, इस राइज को अगर मैं ऊपर और ज्यादा स्ट्रांग बना दूं तो क्या ये जो विंड का जो राइज है और इफेक्टिव तरीके से होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही ये विंड राइज और अच्छे से होगी, ऑब्वियसली यहां की जो आसपास की जो विंड है वो और तेजी से आना शुरू कर देगी, यानी कि अब स्ट्रांग साइक्लोन्स बनना शुरू हो जाएंगे। यानी एक बात समझ में आ रही है कि यहां पर साइक्लोन्स जो होंगी वो बहुत ज्यादा बन रही होंगी कई तरीके की, मतलब इनफैक्ट हर दिन ही कम से कम 8 to 10 साइक्लोन्स तो बन ही रही होंगी। दिस इज जस्ट अ रॉ डेटा, कोई डेटा नहीं है ये, मतलब हर दिन साइक्लोन्स तो जनरेट हो ही रही होंगी, लेकिन साइक्लोन्स ये स्ट्रांग नहीं जनरेट हो पा रही होंगी। स्ट्रांग जनरेट तभी हो पा रही होंगी जब यहां पर विंड का सर्कुलेशन काफी तेजी से हो पा रहा हो। अब विंड का सर्कुलेशन तेज कब होगा, जब अपर एयर में या फिर कह लीजिए कि ऊपर के साइड में वर्टिकल साइड में विंड की या फिर यहां पर कुछ ना कुछ ऐसी एटमॉस्फेरिक कंडीशन बने जिसके कारण से यहां पर ये थोड़ी सी कंडीशन स्टेबल टाइप की प्रोवाइड कर रहा हो। अब यहां पर दो फैक्टर काम में आते हैं, एक फैक्टर होता है स्मॉल वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड स्पीड। सपोज यहां पर विंड स्पीड अगर बहुत तेज हो गई, अगर ये विंड स्पीड काफी अगर तेज होती है स्ट्रांग होती है तो ऑब्वियसली विंड स्पीड क्या है, अगेन लो प्रेशर हाई प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर यहां पर भी चल रही होगी हवा। अगर मान लेते हैं कि काफी ज्यादा स्ट्रांग विंड है तो ऑब्वियसली यहां पर भी जो प्रेशर का जो एनोमली है, एनोमली का मतलब होता है डिफरेंस, यानी कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर या जिसको कि आप लोग ग्रेडियंट भी बोलते हैं,
तो जो प्रेशर का ग्रेडियंट है वो भी यहां पर बहुत ही हाई होगा एंड दिस इज नॉट अ स्टेबल केस. क्यों? क्योंकि अगर स्टेबल केस होगा तो यहां पर एक यूनिफॉर्म प्रेशर टाइप की चीज मिलनी चाहिए. यूनिफॉर्म प्रेशर का मतलब ये नहीं है कि एक कांस्टेंट प्रेशर होगा, इट विल बी इन एनोमली ऑफ 2 to 3 bar. ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कहीं का प्रेशर अगर मान लीजिए कि 2 atmospheric प्रेशर है तो अगले वाले की 4 atmospheric प्रेशर अधिक से अधिक हो सकती है, यानी कि यहाँ का जो टेम्परेचर मतलब प्रेशर का डिफरेंस होगा वो बहुत ही स्मॉल होना चाहिए ताकि जो विंड स्पीड हो वो काफी स्लो मोशन में हो या स्मॉल वेरिएशन इन द विंड स्पीड हो. एक आइडिया लग गया क्या चीज है, हमें ऊपर के साइड में एक स्टेबल पोजिशन चाहिए ताकि ये लोग ऊपर राइज करते रहे. ठीक है, ओके आगे अगर बात करें तो अ प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया और लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन, जैसे यहां पर हमें लो प्रेशर चाहिए होगा, अदरवाइज यहां पर किसी भी प्रकार की कंडीशंस जनरेट नहीं होने पाएंगी. इस लो प्रेशर के अगर सिस्टम को देखते हैं तो थोड़ी सी और अभी सर्कुलेशन के बारे में बात कर लेंगे. तो यहां पर देखिए ये बेसिकली वो लो प्रेशर का सर्कुलेशन है जहां पर हम देख सकते हैं कि दिस इज अ सरफेस ओशन टेम्परेचर वार्मर देन 80 degrees फॉरेनहाइट, और इस फॉरेन हाइट को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो अगेन 27 degrees सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपको देखने को मिल जाएगी. यहां से क्या हो रही है कि हीट जो है वो रिलीज हो रही है, ऊपर के साइड में जाते आ रही है, लेकिन साथ ही साथ में मॉइस्चर भी इसके पास है. तो बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर ये वेपराइज हो गया है, वेपराइज होने के कारण से ये ऊपर चला गया है. एम डेल्टा एल ये ले लिया और ये वेपराइज होकर के ऊपर चला गया है. ऊपर जाने के बाद यहां पर अगेन वार्मर एयर्स आ रही है, चारों ओर से एयर जो है उसको आ रही है और ऊपर राइज करके है. ऊपर राइज करने के कारण यहां पर क्या है, कूल एयर है ऊपर, है ना, हाई प्रेशर है, कूल एयर ऊपर है और ऊपर लाइट विंड है. इस लाइट विंड के कारण से इस कूल एयर को ये कोई डिस्टर्बेंस नहीं प्रोवाइड कर रहा है और इसके कारण से लगातार ये मूवमेंट ऊपर की ओर में होते आ रहा है और इस तरीके से यहां पर थंडरस्टॉर्म आप देख सकते हैं कि ऊपर में जनरेट होती आ रही है. तो यहां पर भी अगेन एक एंटी साइक्लोन जनरेट हो रही होती है, नीचे साइक्लोन जनरेट होती है, ऊपर एंटी साइक्लोन जनरेट होती है और ये जो एंटी साइक्लोन है बेसिकली नीचे से ऊपर के विंड को ही मूव करा रही होती है और अल्टीमेटली आगे बढ़ा रही होती है. समझ में आ गया क्या केस है? तो यहां पर हम लोगों ने बेसिकली सारी की सारी कंडीशंस को चेक कर लिया, स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल प्रेशर वगैरह चेक कर लिया. अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है इसमें अपर डाइवर्जेंस एबव द सी लेवल. दिस इज समथिंग लाइक द सेम जो हम लोगों ने अभी बात किया है कि अपर एयर के बारे में, यहां पर जो सरफेस है वहां से हमारी विंड ऊपर उठ रही है लेकिन अपर एयर में यहां पर भी जो डाइवर्जेंस होना चाहिए वो कुछ खास नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी समथिंग लाइक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए ताकि यहां पर किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना मिलने पाए. लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं, सपोज यहां पर हमें प्रेशर का एक इस तरीके से राइज और इस तरीके से अगर ट्रफ मिलना शुरू हो जाएगा, जिसे रिज और ट्रफ भी बोलते हैं जिसको, तो नीचे से जो सर्कुलेशंस ऊपर की ओर में आ रही है वो और स्ट्रांगली जनरेट हो रही हैं. तो यहां पर ये अगेन स्ट्रांगली जनरेट हो रही हैं. तो अगर ये ऊपर जेट स्ट्रीम, जैसे यहां पर देख सकते हैं दिस इज एक्चुअली अ जेट स्ट्रीम, एंड जेट स्ट्रीम इज वॉट, जेट स्ट्रीम बस क्या होती है, यहां पर मियंडरिंग्स होती है, नैरो मियंडरिंग होती है एंड दिस इज ऑब्वियसली ड्यू टू द प्रेशर अनोमली. तो ये भी जो होती है प्रेशर एनोमली के कारण से ही होती है. तो बेसिकली दो तरीके की चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया. वन, जो अपर एयर सर्कुलेशन है, अपर एयर सर्कुलेशन जिसको कि हम लोग देख रहे हैं, जहां पर ये जो प्रेशर है इस प्रेशर के एनोमली के कारण से स्ट्रांग विंड्स बन रही हैं. लेकिन दूसरा एक और चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं, जो अपर एयर सर्कुलेशन में एयर हो रही है ये लाइट होनी चाहिए एंड दिस शुड बी यूनिफॉर्म, मतलब इसकी स्पीड ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वेरिएशन नहीं आना चाहिए. क्लियर हो गया क्या चीज है? दोनों में इस तरीके से हमारा साइक्लोन जो है वो जनरेट हो जा रहा होता है. अब हम लोग जरा आगे बात करें कि डेवलपमेंट ऑफ द साइक्लोन क्या चीज है, किस तरीके से डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है. तो यहां पर देखिए, डेवलपमेंट के लिए ट्रॉपिकल साइक्लोन हैव अ थर्मल ओरिजिन एंड दे डेवलप ओवर ट्रॉपिकल सीज ड्यूरिंग द समर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर ये आ रही है कि यार ये मान लेते हैं कि सपोज अर्थ है, ये हमारी इक्वेटर है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. हमें पता है सन जो है वो इसी के चारों ओर में मूव करता रहता है. जैसे मान लीजिए मार्च के मौसम में इक्वेटर पे रहेगा, दिस इज मार्च. मार्च के बाद जैसे ही जून पहुंचेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे चला जाएगा, दिस इज जून का महीना. फिर उसके बाद से ये सितंबर में फिर से वापस इस पे आ जाएगा और यहां पर वापस आ जाएगा अपने दिसंबर में. तो दिस इज दिसंबर, दिस इज सितंबर, इस तरीके से मूवमेंट हो जाती है. अब देखिए, अगर सन जो है इन दोनों के बीच में रहे तो ही यहां पर हीटिंग ज्यादा होगी.
तो ऑब्वियसली मार्च टू जून के बीच में ही यहां पर ओशियन में हीट ज्यादा रिसीव होगी, कब, मार्च से लेकर के जून के बीच में। बट क्वेश्चन ये होता है कि अगस्त में फिर क्यों साइक्लोन्स आ रहे हैं या फिर सितंबर में क्यों साइक्लोन्स आ रहे हैं, उसके पीछे रीजन यही है कि देखिए इंस्टेंट हीटिंग नहीं हो पाती है। इंस्टेंट हीटिंग यहां पर इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि वाटर, इट टेक्स टाइम, इसकी एस होती है, स्पेसिफिक हीट होती है, ये रिलेटिवली लो होती है, जिसके कारण से इट टेक्स टाइम इन हीटिंग, हीटिंग में ये टाइम ले लेती है। और इस टाइम मतलब कि स्पेसिफिक हीट जो होती है वो लैंड से ज्यादा होती है, मतलब मोर देन लैंड होती है, मोर देन लैंड। और इसी कारण से जो लैंड है वो जल्दी गर्म जल्दी ठंडा हो जाता है, जबकि वाटर जो है वो इट टेक्स टाइम, तो इसी वजह से यहाँ पर टाइम लग जाता है और इस तरीके से जो मंथ होती है वो इस तरीके से बढ़ जाती है। क्लियर हो गया क्या चीज है? इसी वजह से यहाँ पर अगस्त टू मिड नवंबर में हमें डेवलपमेंट ऑफ द साइक्लोन देखने को मिलती है। क्लियर। आगे अगर बात किया जाए तो एट दीज लोकेशंस अ स्ट्रॉन्ग लोकल कन्वेक्शनल करंट एक्वायर अ फर्लिंग मोशन बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, इसको फिर से डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं है। After developing these cyclone advance till they find a weak spot in the trade wind belt. देखिए यहां पर मूवमेंट तो हो रही है, सब कुछ ठीक है, बट ये मूवमेंट स्ट्रॉन्ग तब होगा जब यहां पर प्रेशर की एनोमली और स्ट्रॉन्ग होते आएगी। अब प्रेशर की एनोमली स्ट्रॉन्ग कब होगी? जब यहां पर ये इलाका हमारा डोल्ड्रम का इलाका है, दिस इज डोल्ड्रम का इलाका, ट्रेड विंड्स हमें इस तरीके से यहां पर आती हैं। सिमिलरली ट्रेड विंड्स नीचे सदर्न हेमिस्फीयर वाली भी ऐसे आ रही हैं। यहां पर दोनों के दोनों का संगम होता है, मतलब दोनों की मिक्सिंग होती है, नॉर्थ और साउथ वाले की, हेमिस्फीयर वाले ट्रेड विंड्स की एक तरीके से मूवमेंट होती है। तो यहां पर मूवमेंट जो है बेसिकली विंड का अगर देखेंगे तो इस डायरेक्शन में हमें देखने को मिल जाती है। जैसे मतलब जितना ज्यादा स्ट्रांग रहेगा ऑब्वियसली उतना ज्यादा हमें प्रेशर एनोमली मिलेगी और उतना ज्यादा हमें स्ट्रांग साइक्लोन्स देखने को मिलेगी। इसीलिए बोला जाता है कि देयर शुड बी अ वीक स्पॉट इन द ट्रेड विंड दैट विल अल्टीमेटली लीड टू अ प्रेशर एनोमली विच विल अल्टीमेटली जनरेट ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्लियर हो गया। आगे अगर बात करें तो अंडर फेवरेबल कंडीशन मल्टीपल स्टॉर्म्स जो है वो ओरिजिनेट होती है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि हर दिन जनरेट होती है, बट इसमें से कुछ ही होती है जो स्ट्रांग इनफ हो पाती है, जो साइक्लोन का रूप ले पाती है। These thunderstorms merge and create a intense low pressure system. Wind is warm and lighter. In the thunderstorm, air is uplifted and it is warm and light. It is at the certain height due to lapse rate and adiabatic lapse rate. The temperature of air falls and moisture in the air undergoes condensation. इसके बारे में क्या चीज है? देखिए, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर जो होती है वो गिरना शुरू हो जाएगा। गिरेगा तो क्या होगा, यहां पर ये वेपर है, वेपर से भी क्या है, वाटर है, वाटर से ये पहले एम एस डेल्टा टी लिया, फिर उसके बाद से एम डेल्टा एल मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और ये वेपर में कन्वर्ट हो गया है। जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी हीट जो है वो लॉस होती जाएगी, हीट लॉस के कारण से पहले एम एस डेल्टा टी वाला लॉस होगा, फिर एम डेल्टा एल वाला लॉस होगा, मतलब लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, और ये अल्टीमेटली कंडेंस होकर के लिक्विड फॉर्मेट में चली जाएगी। अल्टीमेटली इट विल मेक अ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फियर दैट अंडरगो कंडेंसेशन। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो यहां पर थर्मोडायनेमिक्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे अगर बात किया जाए तो कंडेंसेशन रिलीजेस लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन मेकिंग द एयर मूव मोर एंड मोर वार्मर, इट बिकम्स मच लाइटर एंड इज फर्दर अपलिफ्टेड। तो यहां पर वही चीज फिर से बता रहा है कि किस तरीके से कूलिंग होती है और यहां पर रिलेटिवली हाई टेम्परेचर बना होता है। जैसे अगर बात किया जाए यहां पर, जैसे ही ये एयर ऊपर में पहुंचेगी, सपोज ये एयर यहां पर पहुंच रही है, तो आसपास की जो एयर है वो तो रिलेटिवली ज्यादा कूल होगी, ज्यादा ठंडी होगी, तो विद रिस्पेक्ट टू डेथ अगेन ये ऊपर जाएगी क्योंकि ये हल्की है, ऊपर जाना कोशिश करेगा, एंड इसी वजह से लिखा हुआ है इट इज फर्दर अपलिफ्टेड। जैसे कि हम लोगों ने एडियाबेटिक वाले में बात किया हुआ था, सेम वही कंसेप्ट यहां पर आप लगा सकते हैं, क्योंकि थर्मोडायनेमिक डज नॉट चेंज, एक्चुअली वो हर जगह जहां पर भी रहेगी ऑब्वियसली काम करेगी। द स्पेस इज फिल्ड बाई फ्रेश मॉइस्चर लेडन एयर, कंडेंसेशन अकर इन दिस एयर एंड द साइकिल इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। इस तरीके से जब तक मॉइस्चर की सप्लाई होती रहेगी, मतलब कि जब तक ये लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन होता रहेगा तब तक ये प्रोसेस होती रहेगी। क्लियर। ड्यू टू द एक्सेस moisture over ocean the thunderstorm intensify and stuck in air
एट मच फास्टर रेट द एयर फ्रॉम सराउंडिंग रशेस इन एंड अंडरगोज डिफ्लेक्शन ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स क्रिएटिंग अ साइक्लोनिक वर्टेक्स. तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा सिस्टम जो होती है वो जनरेट हो जाती है, जिसको कि ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया काफी डिटेल में. देखिए यहाँ पर एक फोटोग्राफ भी है, यहाँ पर आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. यहां से देख सकते हैं कि ये सरफेस है, ओशन सरफेस, और वहां से विंड जो है मतलब कि जो गर्म होकर के ऊपर उठ रही है, और यहां पर ये अपर एयर सर्कुलेशन के संपर्क में और ये क्लाउड बना रही है. तो वाटर इवेपोरेट फ्रॉम द ओशन सरफेस एंड कम्स इनटू कांटेक्ट विद द मास ऑफ कोल्ड एयर फॉर्मिंग क्लाउड्स. क्लियर. और यहां पर फिर इस तरीके से घुमाव आ जाता है, मूवमेंट आ जाती है, बिकॉज लो प्रेशर अंदर आ गया है और आसपास हाई प्रेशर है, और यहां पर हीटिंग काफी ज्यादा हो गई है, साथ ही साथ में कोरियोलिस फोर्सेस को स्ट्रांगली और बना दे रहा है. तो कॉलम ऑफ लो प्रेशर डेवलप एट द सेंटर, विंडर जो विंड्स हैं फॉर्म अराउंड द कॉलम. इस तरीके से यहां पर और बन जाती है, क्लाउड देखिए और तेजी से बनना शुरू हो गए हैं. क्लियर हो गया. लास्टली होता क्या है कि दिस अल्टीमेटली जनरेट्स अ स्ट्रांग सर्कुलेशन, और स्ट्रांग इस तरीके से यहां पर क्लाउड्स भी स्ट्रांगली डेवलप हो जाते हैं. तो एज प्रेशर इन द सेंट्रल कॉलम वी कैन द स्पीड ऑफ द विंड अराउंड द स्क्रीन रेल. यहां से एक चीज आपको देखने को मिल रही होगी, ये जो सेंटर है बीच में, यहां पर जो होती है बहुत ही काम रीजन बना हुआ है, एकदम आसान, एकदम कह लीजिए कि एकदम चिल टाइप बना हुआ है, क्योंकि यहां पर सर्कुलेशन जो होगी वो तो वॉल साइड में होंगी. तो वॉल साइड का मतलब ये हो गया कि अगेन यहां पर हमें स्ट्रॉन्गर विंड्स इसके वॉल पे मतलब कि कॉर्नर साइड में ही मिल रही होंगी. क्लियर हो गया. आगे अगर बात किया जाए तो ऑल द विंड दैट इज करीड अपवर्ड लूजेज दिस मॉइस्चर एंड बिकम्स कूल एंड डेंस, इट डिसेंड टू द सर्फेस थ्रू द सिलेंड्रिकल आयल रीजन एंड एट द एजेस ऑफ द साइक्लोन. तो बेसिकली ये जो हम लोग इस तरीके से मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि ये सर्कुलेशन पैटर्न बन गया है, और यहां पर इस तरीके से बेसिकली चारों ओर में सर्कुलेशन आ रही है चारों ओर में, ठीक है. तो ये सर्कुलेशन जैसे जैसे ऊपर जाती है यहां पर क्लाउड बनाई रही है, आप लोगों को पता ही है क्लाउड्स ऊपर बनते आ रहे हैं, यहां पर हल्के फुल्के क्लाउड बने होंगे, यहां पर स्ट्रॉन्ग क्लाउड बने होंगे. तो इस तरीके से बेसिकली इस बीच वाले रीजन को ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग आई, टेक्निकल नेम है, अभी हम लोग बात भी करेंगे. और इसकी जो ये वॉल है, ये जो सर्फेस है, इसको बोला जाता है आई वॉल. सबसे ज्यादा डेंजरस होता है ये आई वॉल. जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, यहां पर मॉइस्चर वाला एक तरीके से क्लाउड बनाना शुरू कर देगा. और वही चीज यहां पर लिखी हुई है कि जो सिलेंड्रिकल आई रीजन है, दिस इज एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द साइक्लोन, और ये मूव आगे की ओर में करते रहता है. अब यहां पर एक क्वेश्चन आती है, अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे, लेकिन फिलहाल ऐसे ही समझ लीजिए कि सपोज दिस इज आवर इंडिया. जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा इंडिया है, सदन इस तरीके से यहां पर इंडिया आ जाती है, ठीक है. यहां पर सपोज सर्कुलेशन यहां पर जनरेट हुई है, अब क्या होगा, मान लेते हैं इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है. इट हैज ऑल द ऑप्शंस, इट कैन गो एनीवेयर, कहीं पर भी जा सकता है, कहीं पर भी जाएगा. बट यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि ये नदन हेमिस्फीयर है, एंड नदन हेमिस्फीयर में हमें पता है कोरियोलिस फोर्स अगेन इसको राइट में ढकेलेगा. तो राइट में बेसिकली क्या हुआ, इधर हुआ, इधर हुआ, इधर हुआ, चाहे इधर हुआ. एक तो ये कोरियोलिस फोर्स, नंबर टू खत्म नहीं हुआ है, नंबर टू ट्रेड विंड्स. ट्रेड विंड्स किधर है, इस साइड में ट्रेड विंड्स है. तो ऑब्वियसली इस सर्कुलेशन को दो फोर्स मिला, एक सर्कुलेशन मतलब कि एक ट्रेड विंड का मिला, और दूसरा इसकी मूवमेंट इधर के साइड में है. तो जैसे ही ये ऊपर नीचे दाएं बाएं जा रहा होगा, इसको घुमा करके इंडिया के साइड में ले आने की कोशिश करेगा, एंड द कोरियोलिस फोर्स विल गिव अ सर्कुलेशन एंड अल्टीमेटली इट विल फॉल ऑन द आंध्रा कोस्ट. तो इस वजह से मेनली आंध्र प्रदेश या फिर उड़ीसा के कोस्ट पे ही जाकर के टकराएगा, एंड दैट इज वाई द मोस्ट डिवास्टेशन कम इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश और उड़ीसा. ऑल दो इसके कुछ कुछ रिपरकशन जो है वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और भी आगे ऊपर देखने को मिल जाएगा, बट मोस्टली ये स्टक करेगा कहां पर, आंध्र प्रदेश या फिर उड़ीसा के ही रीजन में. क्लियर हो गया क्या चीज है, किस तरीके से यहां पर चीजें होती है, एंड वाई इंडिया के दो ही स्टेट जो होते हैं वो डिजास्टर प्रोन होते हैं. समझ में आ गया होगा आप लोगों को. चलिए खैर आगे बढ़ते हैं जरा, आगे अगर देखेंगे वन सेकेंड. यस नाउ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द सी टू इज द मेजर फोर्स बिहाइंड एवरी साइक्लोन. ऑन रीचिंग द लैंड द मॉइस्चर सप्लाई इज कट ऑफ एंड स्टॉर्म डिसिपेट. तो जैसे ही ये कोस्ट पे मतलब कि जैसे ही ये जो ओशियन है, इस ओशियन से ये आगे बढ़ करके लैंड की ओर में जाता है, अब यहां पर क्या होगा, यहां पर मॉइस्चर नाम की कोई चीज तो है नहीं, तो अब क्या होगा, यहां पर सर्कुलेशन जो होगी वो कम होनी शुरू हो जाएगी. बेसिकली यहां पर अब
कंडेंसेशन होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि बारिश होनी शुरू हो जाएगी। चूंकि यहां पर मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, इस वजह से इंटेंस रेनफॉल होगी। इंटेंस रेनफॉल यानी कि अगर क्लाउड के बारे में बात करें तो कौन सी क्लाउड यहां पर जनरेट होगी? क्यूमुलस। क्यूमुलस तो होगी ही होगी क्योंकि बारिश कराना है, लेकिन थंडरस्टॉर्म के साथ तो निम्बस भी हो जाएगा, यानी कि क्लाउड का नाम क्या हो जाएगा? क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो जितनी भी साइक्लोन थंडरस्टॉर्म के साथ में आती है, जितनी भी रेनफॉल थंडरस्टॉर्म के साथ आती है, उसमें हमें पता है कि क्यूमुलो निम्बस क्लाउड बन रही होती है। इट कैन इफ ओशन कैन सप्लाई मोर मॉइस्चर स्टॉर्म विल रीच अ मैच्योर स्टेज। क्लियर हो गया, आगे बात करते हैं। एट दिस स्टेज स्पाइरलिंग विंड क्रिएट मल्टीपल कन्वेक्टिंग सेल। तो इस वजह से जब भी ये जो स्पाइरल जनरेट हो रखा है, सर्कुलेशन जनरेट हो रखा है, वो मल्टीपल कन्वेक्टिव सेल्स बना रही होती है और सक्सेसिवली काम एंड वायलेंट रीजन बना रही होती है। काम रीजन का मतलब जो होता है आई बना रही होती है, और वायलेंट रीजन का मतलब आई वॉल बना रही होती है। तो दीज रीजियंस विद द क्यूमुलो निम्बस क्लाउड, अभी हम लोगों ने देखा एक्चुअली ये बन रही होती है, जैसे जैसे ऊपर हो रही होती है, लिम्ब ऑफ द कन्वेक्टिव सेल फॉर्मेशन जैसे जैसे होता है वैसे वैसे ही ये क्यूमुलो निम्बस क्लाउड बन रही होती है। द असेंडिंग एयर विल लूज मॉइस्चर एट सम पॉइंट एंड डिसेंड बैक टू द सर्फेस थ्रू द काम रीजन। तो जैसे ये लैंड पे जाएगा वैसे ये सब चीजें होने को शुरू हो जाएंगी। क्लाउड फॉर्मेशन जो होगी इट विल बी डेंस एट द सेंटर एंड इट विल Try to, it will go या it will move to its periphery and ultimately shower, ठीक है, नीचे गिर जाएगा, मतलब shower का मतलब हो गया rainfall कर जाएगी। Rain bands are mostly made up of cumulonimbus cloud, the one at the periphery are made up of the cumulonimbostratus or cumulus cloud, the dense overcast at the upper level of troposphere is due to cirrus clouds which are mostly मेड अप ऑफ हेक्सागोनल आइस क्रिस्टल्स। तो ये सब चीजें ऑलरेडी आप लोगों को पता चल गई है, इसमें कुछ बताने वाली चीज नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं पूरे सर्कुलेशन के फॉर्मेट को, देख सकते हैं यहां पर ये पूरी की पूरी जो सरफेस है, यहां पर ये लो प्रेशर के कारण से जनरेट हो रही है ऊपर, यहां पर ये आई जनरेट हो रखी है और इसके साइड साइड में ये आई वॉल्स है। देख सकते हैं यहां पर निम्बोस्ट्रेटस और अल्टीमेटली क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बना हुआ है, जो मोस्टली स्ट्रॉन्गेस्ट क्लाउड जो बना हुआ है वो क्यूमुलोनिम्बस बना है, जो कि लैंड पे जाकर के यहां पर देख सकते हैं कि वो फॉल डाउन किया हुआ है। फॉल डाउन करने का मतलब भाई रेनफॉल कर दे रहा है। अब हम लोग जरा कुछ टेक्निकल वर्ड्स पे आ जाते हैं। टेक्निकल वर्ड का मतलब हो गया वही आई और आई वॉल के बारे में देख लेते हैं। आई का मतलब होता है इज द सर्कुलर एरिया ऑफ द कंपेरेटिवली लाइटर विंड्स एंड फेयर वेदर फाउंड एट द सेंटर ऑफ द सीवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन। देखिए एक चीज यहां पर और समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि दिस इज द मूवमेंट और हमें पता है कि यहां से ये साइड से ऊपर उठते जा रही है, ऊपर उठते जा रही है, लेकिन ये ऊपर उठने ही केवल और केवल इक्विलिब्रियम तो मेंटेन नहीं करेगा, तो यहां पर एक डाउनवर्ड करंट भी आती है। दिस डाउनवर्ड करंट इज ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू द कह लीजिए कंडेंसेशन की वजह से एक और डाउनवर्ड मूवमेंट भी आ रही होती है, लेकिन ये वॉल साइड में रहती है, यानी कि सेंटर में, सेंटर पूरी तरीके से फ्री होता है, सेंटर में एकदम वैक्यूम एक तरीके से कह लीजिए जनरेटेड होता है, यहां पर किसी भी प्रकार का कुछ भी मूवमेंट नहीं होता है। देयर इज अ लिटिल और नो प्रेसिपिटेशन एंड समटाइम्स ब्लू स्काई और स्टार कैन बी सीन हियर। द आई इज द रीजन ऑफ लोवेस्ट सर्फेस प्रेशर, देख सकते हैं लोवेस्ट सर्फेस प्रेशर है एंड द वार्मेस्ट टेम्परेचर अलाफ। तो यहां पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिलेगा इन द अपर लेवल्स। The eye temperature may be 10 degree warmer than the altitude of जो भी 12 किलोमीटर, जितने भी ऊंचाई पे जाएंगे उतना यहाँ पर भी गर्म देखने को मिल जाती है। The eye range ये जो होती है वो 8 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक हो सकती है, और depending on the कितना ज्यादा strong cyclone बना हुआ है, जितनी बड़ी eye wall उतना ही बड़ा उसका cyclonic area। अब eye wall के बारे में बात कर लेते हैं। Eye surrounded by eye wall, the rough circular ring of the deep convection which is the area of हाइएस्ट सरफेस विंड इज द ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ये चीज आप लोग समझ ही गए होंगे क्या चीज है, हालांकि इसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है बट इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें ऑलरेडी हम लोगों ने चीजों को डिस्कस कर रखा है जितनी भी चीजें हम लोगों ने देखी है। नाउ अनदर फॉर्म ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट प्रॉब्ली प्ले अ रोल इन द फॉर्मिंग एंड मेंटेनिंग द आई वॉल इज द आई वॉल कन्वेक्शन। मतलब कि जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है एक तरीके से डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर, उसके बारे में यहां पर बात करना है। डाउनवर्ड मूवमेंट, इस डाउनवर्ड मूवमेंट को बेसिकली इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए किया जाता है, सो दैट मॉइस्चर का जो कह लीजिए एक करंट है, मॉइस्चर का जो एक सर्कुलेशन पैटर्न है,
वो भी मेंटेन रहे, बैलेंस मेंटेन रहे, इस वजह से ये रहता है। तो कन्वेक्शन इन द ट्रॉपिकल साइक्लोन इज जनरेटेड या ऑर्गेनाइज्ड इनटू लॉन्ग नैरो रेन बैंड दैट आर ओरिएंटेड इन द सेम डायरेक्शन एज द हॉरिजॉन्टल विंड। दिस इज बिकॉज दीज बैंड सीम टू स्पाइरल इनटू द सेंटर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। समझ में आया, सेंटर ऑफ द साइक्लोन एंड दे आर कॉल्ड स्पाइरल बैंड, या फिर इसी को बोल सकते हैं कि दिस इज द नैरो मियांड्रिंग या नैरो बैंड्स ऑफ एंटी साइक्लोनिक विंड्स। ठीक है, तो एंटी साइक्लोनिक विंड की भी हम लोग बोल देते हैं यहां पर। अलोंग दीज बैंड, जैसे यहां पर एक चीज क्यों एंटी साइक्लोनिक मैं बोल रहा हूं, उसके पीछे भी रीजन है। जैसे यहां पर सपोज एंटी साइक्लोन, मतलब कि ये साइक्लोन है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके ऊपर बढ़ा है, लेकिन हमें पता है कि ऊपर में ये एंटी साइक्लोनिक टाइप की कंडीशंस बनी हुई है क्योंकि हाई प्रेशर बना हुआ है एंड द लोअर प्रेशर इस तरीके से हमें मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो ऑब्वियसली इट विल ट्राई टू डाउनसाइड द एयर विच इज प्रेजेंट एट द अपर लेवल। तो अपर लेवल पर जो चीज होगी वो नीचे आएगी और नीचे की लेवल जो होती है ऊपर जा रही होगी, एंड दिस विल मेक अ इक्विलिब्रियम कंडीशन, अ बैलेंस कंडीशन एंड अ स्टेबल कंडीशन। और इस तरीके से जो साइक्लोन होगी वो स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर होती जाएगी। क्लियर हो गया क्या चीज है? अलोंग दिस बैंड, मतलब यही जो बैंड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो लो लेवल कन्वर्जेंस इज मैक्सिमम एंड देयरफॉर अपर लेवल डाइवर्जेंस इज मोर मोस्ट प्रोनाउंस्ड अबव। द डायरेक्ट सर्कुलेशन डेवलप इन विच वार्म मॉइस्ट एयर कन्वर्ज एट द सर्फेस एसेंड थ्रू दिस बैंड डाइवर्जेंस अलॉफ्ट एंड डिसेंड ऑन बोथ साइड ऑफ द बैंड। तो वही है अगेन कि इस इधर साइड पे गिर रहा होता है, इधर साइड पे गिर रहा होता है, दोनों साइड से आ रही होती है। सब्सिडेंस जो होती है दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वाइडर एरिया, मतलब आप देख सकते हैं मतलब 8 किलोमीटर के नियर अबाउट, ये दिस एरिया इज एक्चुअली 8 किलोमीटर। ठीक है, तो वाइडर एरिया होती है एंड आउटसाइड द रेन बैंड बट इज कंसंट्रेटेड इज अ स्मॉल इनसाइड एरिया। एज द एयर सबसाइड एडियाबेटिक वार्मिंग टेक्स प्लेस एंड एयर ड्राइज। तो इस तरीके से एडियाबेटिक वार्मिंग हो रही होती है और एयर जो होती है वो ड्राई हो रही होती है, लेकिन साइड साइड वाली जो आईवॉल वाली जा रही है वो तो हमेशा मॉइस्चर लेकर के जा रही है और स्ट्रॉन्गर रेन करेगी। बिकॉज सब्सिडेंस इज कॉन्सेंट्रेटेड इन साइड द बैंड द एडियाबेटिक वार्मिंग इज स्ट्रॉन्गर इनवर्ड फ्रॉम द बैंड कॉजिंग अ शार्प कॉन्ट्रास्ट इन एयर प्रेशर फॉल्स अक्रॉस द बैंड सिंस वार्म एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर। तो अगेन वही जो भी हम लोग एडियाबेटिक वार्मिंग के बारे में बात कर रखे थे उसी सब के बारे में यहां पर डिस्कस किया गया है। तो इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, जरा देख लेते हैं आगे। अब हम लोग जरा आगे बात कर लेते हैं कैटेगरी ऑफ द साइक्लोन के बारे में। तो देखिए कैटेगरी कई तरीके से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, जैसे अलग अलग टाइप की सीवियरिटी के हिसाब से हम लोग साइक्लोन को भी डिवाइड करते हैं अलग अलग कैटेगरी में, एंड इज बेसिकली बेस्ड ऑन द विंड स्पीड और स्ट्रॉन्ग कह लीजिए स्ट्रेंथ ऑफ द साइक्लोन के बेसिस पे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। जैसे विंड हो गई 190 से 153 किलोमीटर है अगर, तो उसको मिनिमल डैमेज होती है इसलिए कैटेगरी वन में रखे हैं। सिमिलरली मॉडरेट अगर स्पीड ज्यादा हो गई और स्पीड हो गई, और इस तरीके से देख सकते हैं हम लोग अलग अलग तरीके से इसको डिवाइड करके रखे हुए हैं। केवल ये आइडिया ले लीजिए क्योंकि इस पे देखिए क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा नहीं, दिस विल गिव यू सम पॉइंट्स फॉर योर मेंस राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन यहां पर एक अंडरस्टैंडिंग आप जरूर जनरेट कर सकते हैं कि यहां पर अगर प्रेशर में लगातार चेंज देखने को मिले तो ऑब्वियसली द प्रेशर द डिस्टर्बेंस विच इज गोइंग टू बी देयर ऑब्वियसली इट विल बी सुपर साइक्लोनिक इन नेचर और काफी ज्यादा कैटास्ट्रॉफिक टाइप की चीजें देखने को मिल सकती है। इसी वजह से हम लोग हमेशा प्रेशर डिफरेंस को देखते हैं कि किस तरीके से प्रेशर चेंज हो रही है, चाहे वो सैटेलाइट के माध्यम से देख रहे हो चाहे फिर हम लोग यहाँ पर बैरोमीटर की सहायता से देख रहे हो। तो दोनों के माध्यम से वी आर ट्राइंग टू मेजर द प्रेशर एनोमली और अकॉर्डिंगली वी सस्पेक्ट एनी साइक्लोन टू अकर। यहां पर देख सकते हैं कि जो साइक्लोन होती है वो किस किस मंथ में कहां कहां पे आ रही है। तो दिस इज आवर इंडिया, जहां पर देख सकते हैं कि सितंबर अक्टूबर नवंबर के मौसम में यहां पर बे ऑफ बंगाल वाले साइड आ रही है और यहां पर जून के मौसम में आ सकती है। अभी देखिए रिसेंट में एम्फन ही आया था, होता कि नहीं। सिमिलरली सदर्न हेमिस्फीयर में जब आप आ जाएंगे तो जनवरी मार्च में हमें देखने को मिल जाती है, इस तरीके से अलग अलग इलाकों में हमें देखने को मिल जाती है। इस अलग अलग इलाके का नाम एक्चुअली अलग अलग होता है, जैसे इस इलाके में यहाँ पे नंबर वन जो जोन है इस जोन में जब भी आती है साइक्लोन तो हम लोग उसको बोलते हैं साइक्लोन, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन जो इस इलाके में आती है नंबर टू इलाके में जहां चाइना है, चाइना वाले अपने आप को बोलते हैं नहीं हम टोर्नेडो रखेंगे। टोर्नेडो क्यों? किक ज्यादा है टोर्नेडो बोलने में और कोई बात नहीं है। थर्ड थिंग ऑस्ट्रेलिया वाले साइड में ये बोलते हैं अपने आप को कि वी आर विली विली, ये विली विली साइक्लोन को बोलते हैं।
और यहां पर जो अमेरिका कैरेबियन आइलैंड वाली है, दिस इज फोर्थ नंबर, और यहां पर इसको बोला जाता है हरिकेन्स, दे आर इन हरी, बहुत जल्दी जल्दी में रहते हैं, तो इस वजह से हरिकेन्स बोलते हैं अपने आप को। क्लियर हो गया। तो ये कुछ नेमिंग है साइक्लोन की, इंटरेस्टिंग फॉर्मेट में बना करके आपको देने की कोशिश की गई है, क्योंकि इससे देखिए साइक्लोन्स मतलब इससे क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही डायरेक्टली पूछे जाते हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो चाहे स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन हो। नाउ लास्ट टॉपिक हमारे आज का, दैट इज द वार्निंग सिस्टम, कि आखिर में वार्निंग किस तरीके से दी जाएगी। तो यहां पर देखिए दो तरीके से वार्निंग दी जा रही होती है, एक सैटेलाइट के डेटा को रीड करके और दूसरा बैरोमीटर के डेटा को रीड करके, लेकिन दोनों में एक चीज ही कॉमन है, एंड दैट इज द प्रेशर एनोमली। हम लोग प्रेशर एनोमली को ही चेक कर रहे होते हैं कि अगर बहुत ही तेजी से अगर प्रेशर गिर रहा है या बहुत तेजी से प्रेशर उठ रहा है, तो ऑब्वियसली देयर इज समथिंग फिशी, एंड ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी सम साइक्लोनिक कंडीशन, और उस हिसाब से हम लोग यहां पर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं साइक्लोन को। तो डिटेक्शन ऑफ एनी अनयूजुअल फिनोमेना इन द वेदर लीडिंग टू साइक्लोन हैज थ्री मेन पैरामीटर, फर्स्ट इज फॉल इन द प्रेशर, सेकेंड इंक्रीज इन द विंड वेलोसिटी, एंड थर्ड डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ ट्रैक ऑफ अ स्टॉर्म। जैसे ये तीनों कंडीशन एक्चुअली सेम ही है बट अलग अलग तरीके से लिखा गया। जैसे अगर प्रेशर में फॉल होगा तो ऑब्वियसली विंड स्पीड बढ़ जाएगी, बिकॉज हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ये एनोमली बढ़ जाएगा तो विंड स्पीड भी बढ़ जाएगा। सिमिलरली द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ये भी चेंज हो जाएगा। देयर आर नेटवर्क ऑफ वेदर स्टेशन मॉनिटरिंग प्रेशर फॉल एंड विंड वेलोसिटी इन ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग आर्कटिक एंड द एंटार्कटिक। The islands attain special significance in this as they facilitate monitoring of these development. India में भी इसी तरीके से developments लगा करके रखी गई हैं। Satellite के माध्यम से भी हम लोग चेक कर रहे होते हैं, इसके अलावा हम लोग और भी कई सारे instrument की सहायता से चेक कर रहे होते हैं, साथ ही साथ में remote sensing obviously हमारी हो ही रही होती है, और ये अलग अलग तरीके से हम लोग इसको कह लीजिए कि जो होता है मेजर कर रहे होते हैं। जैसे हम लोग पोर्ट के एरिया में लगा के रखे हैं, फिशिंग एक्टिविटीज में देख रहे होते हैं, पॉपुलेशन को एक्वेशन में यूज कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीजों को यूज कर सकते हैं। यू कैन रीड द पीडीएफ और देख लीजिएगा, दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यहां पर कुछ बताने वाली सच कोई चीज नहीं है। टुडे इट इज पॉसिबल टू डिटेक्ट द साइक्लोन राइट फ्रॉम इट्स जेनेसिस, और हम लोग इसी वजह से आसानी से एरिया को वैकेट करा लेते हैं और नेमिंग भी कर लेते हैं, लाइक हुदहुद हो गया, फाइलन हो गई, या फिर एम्फन हो गया, नीलोफर हो गई, बहुत तरीके की साइक्लोन्स आर देयर, एंड अकॉर्डिंगली हम लोग जो है उसको क्लासिफाई कर रहे होते हैं और वहां पे एरिया को वैकेट करा के हम लोग वहां पर जो भी जान माल का नुकसान हो सकता है उसको बचा लेते हैं। तो ये थे बेसिकली आज की पूरी डिस्कशन, काफी डिटेल में हम लोगों ने साइक्लोन के बारे में चर्चा किया। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इन चैनल्स का यूज करके हम तक रीच आउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।